हम ये बताना चाहते हैं कि अगर योगी और मोदी ये बताना चाहते हैं कि किसी भी मुसलमान को फेक चार्जेस लगा के अरेस्ट कर लिया जाएगा और ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमानों को अरेस्ट होना ही है, उनके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, तो हम भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम तैयार हैं, आप अपनी जेलों को बड़ा कर लीजिए। अगर हमारे उलमा हमारे नौजवानों को फेक चार्जेस में फेक केसेस में अरेस्ट किया जाएगा, एक ये छोटा सा एक मैसेज देने के लिए यहाँ इतने लोग थे। अब हम राजस्थान लेवल पर करेंगे, उसके बाद हम दिल्ली में करेंगे और दिल्ली में जब करेंगे अगर कलीम सिद्दीकी साहब को, मौलाना उमर गौतम साहब को, जहांगीर साहब को रिहा नहीं किया गया तो दिल्ली की जेलें बड़े कर लीजिए, हम अरेस्ट होने के लिए खुद आ रहे हैं। ये समझिए मत कि हम अरेस्ट होने से डरेंगे, हम हमारे बच्चों को हम ये बताएंगे कि आपको जेल जाना है, अगर आपको मोदी राज में योगी राज में रहना है तो आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना है। हमने आज बता दिया कि हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसके अंदर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को और जो फेक केसेस में मुसलमान बंदे उन्हें रिहा कीजिए, नहीं तो फिर यह आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा। अब हमें कोरोना से मौत का डर नहीं है, अगर हमें जेल जाना है तो हम चाहे कोरोना से मरे या जेल में मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैसेज मोदी योगी गवर्नमेंट को समझ लेना चाहिए।